रख सकते हैं और अगला की कलिंपोंग और कश्यप भी लेना है। देखिए ये बात स्पष्ट है, जैसे चुनाव के नतीजे आए जो जनता है वो भाजपा और हमारी जो अलायंस पार्टी है GNLF और GGF और CPRM और बाकी जो पार्टनर है उनके साथ उनके पक्ष में है। और जनता ने स्पष्ट कर दिया ना तो TMC ना विनय तामंग की GGF जो डुप्लीकेट है उनके पक्ष में है। तो इससे ये तय है और जनता की ये डिमांड है कि जो पार्टी अच्छा विकास और पीस दे सकती है हम उनके साथ रहेंगे। तो अच्छा है काउंसिलर ने ये तय किया कि हम भाजपा के साथ मिल करके काम करेंगे, हमने उसका स्वागत किया। अब मुझे लगता है इसके बाद जो है कालिंग खरसेंग और मिरिक की बारी है और आस्ते आस्ते देखेंगे जिस तरह से नॉर्थ बंगाल में सब जगह भाजपा छाई है उसी तरह से सारे विधानसभा और म्यूनसिपैलिटी के ऊपर में कॉरपोरेशन के अंदर में भाजपा का राज होगा और इसी से इस क्षेत्र में शांति भी आएगी, विकास भी आएगा और लोगों के जुड़े हुए मुद्दों का भी जो है समाधान होगा। विनोद तामंग को जो GTA में GTA से उखाड़ फेंकने के लिए क्या क्या कीजिएगा? देखिए वो अब उनको अधिकार नहीं है GTA में रहने का। GTA तो जनता ने देखिए अल्टीमेटली जो है विनय तामंग को चुना नहीं था, वो तो ममता दीदी ने उनको कुर्सी में बिठाया, तो उनका कोई राइट नहीं है आज GTA में बैठने का। तो उनको तो GTA को डिसॉल्व करना चाहिए और तुरंत जो है GTA का री इलेक्शन होना चाहिए और मैं इसकी मांग करता हूँ। देखिए ये बिल्कुल भी दुखद घटना है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ममता दीदी की महत्वाकांक्षा के लिए बंगाल को आज धकेला जा रहा है और बंगाल जो है आग आग में जल रहा है। आज मुझे कल ही पता चला जो एक वाइबा जी हमारे अलायंस पार्टनर के साथी है, आप समझ सकते हैं उनकी उम्र 80 साल है, उनको पुलिस उठा के ले गई और रात भर पुलिस ने उनको टॉर्चर किया। तो मुझे दुख हुआ, मेरी जनता को आज इतनी तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं दिल्ली से आज तुरंत यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि अभी तुरंत ही लोकसभा हमारी चालू होने वाली थी। तो मैं अपने जनता के बीच रह करके समझूंगा कि ये पुलिस की एट्रोसिटी अत्याचार इतना ज़्यादा क्यों है और ये मैं होने नहीं दूंगा। BJP हमेशा से इस क्षेत्र के विकास के लिए शांति के लिए पहल करती रही है और वो हम आज भी कर रहे हैं और जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है और पार्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग में हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। सरकार को चाहिए कि जो हार हुआ उसके बदले में उनको मंथन करना चाहिए कि उनकी हार क्यों हुई और वास्तविकता में अगर वो जाएंगे तो उनकी हार इसी एट्रोसिटी के कारण हुई है। ममता दीदी ने जो लोगों को तकलीफ दी है, जो लोगों के ऊपर में अत्याचार किए उसका कारण TMC हारी है और उस अत्याचार को हारने के बाद ये दोबारा बढ़ा रहे हैं और जनता इनको मुंह तोड़ जो है जवाब 2021 में जरूर दे।